भिलाई तीन मुरैना में रेल कर्मचारियों से सीआईएसएफ जवानों ने मारपीट कर डाली। बैरियर में महज चेकिंग के नाम पर एक रेलवे कर्मी से सीआईएसएफ के जवान ने पहचान पत्र क्या पूछ लिया। नौबत, वाद विवाद और मारपीट पर आ गई। इस वाकये के बाद 3 घंटे तक रेल कर्मियों ने खूब हंगामा मचाया। हंगामे की कुछ देर बाद दोनों पक्षों के बीच उपजा विवाद आपसी समझाइश में शांत भी हो गया। भिलाई तीन के पुराना चेक पोस्ट से भिलाई इस्पात संयंत्र, एनएसपीसीएल पावर प्लांट एवं रेलवे के पीपीआर जाने का मार्ग है। यहां पर सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा के नाम पर चेक पोस्ट बनाया गया है। इस चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले की जांच एवं उसका परिचय पत्र देखा जाता है। बताया जा रहा है कि सुबह इस चेक पोस्ट पर तैनात एक जवान द्वारा रेलवे के पीपीआर में कार्यरत कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया गया है। आरोप ये भी है कि रेलवे कर्मचारी द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी कर दी गई है, जबकि रेलवे के कर्मचारी द्वारा परिचय पत्र भी दिखाया गया था। इस घटना की जानकारी रेलवे कर्मचारियों को लगी, इसके बाद वे चेक पोस्ट पर पहुंच गए और आरोपी जवान पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया। ये जानकारी लगने के बाद सीआईएसएफ के अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने जवान का बचाव करने का प्रयास किया। इस पूरे मामले को लेकर मजदूर कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर डी विजय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो है वो शिकायत कर रहे था, बहुत एक सीआईएसएफ जवान जो है बदतमीजी से हमारा स्टाफ के साथ में मारपीट के उतरा है। उसका विषय पर हमारा रेलवे कर्मचारी आक्रोश होकर बहुत अपना विरोध दर्ज कर रहा था। हमें भी फोन करने पर मैं भी आया हूं। आने के बाद यहां समस्या ये है, एक छोटा सा 2-3 फीट का बीच में 500 लोग आने जाना करते हैं, आने वाला भी उसी रास्ते से, जाने वाला भी उसी रास्ते से। उस विषय में वो उसी का चलते ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। लोगों से झगड़ा था, हमारा डिमांड था वो उस तरीके से नहीं, अलग अलग गेट बनाओ, आने जाने के ईजी करो। और महिला कर्मचारी जो है, हमें महिला कर्मचारियों के भी सीएसएफ जवान मेल जो है वो चेक करता है, इसके लिए भी हम आपत्ति जताया। उन्होंने ये एग्रीमेंट दिया है, भाई हमने एक महिला कर्मचारी, महिला सीएसएफ को हमने जवान को रखेंगे करके बात हुआ। इसका अलावा जिसके साथ मारपीट हुआ उसका अभी इंक्वायरी चल रहा है, उसका श्रीनिवास नाम है। उसके साथ में जब कार्ड दिखाने के बाद भी डब्बा दिखाओ ऐसा कुछ, थोड़ा लेट होने पर उन्होंने हवा खोलने के लिए प्रयास कर रहा था, बोले वो हवा क्यों खोल रहा बोलने से, और धक्का मार दिया, धक्का मारने से उसका खून निकला है हल्का। उसका चलते अभी केस हुआ है। ये जो घटना हुआ उसका बारे में इंक्वायरी हमारा आदमी भी रहेगा, सीएसएफ और आरपीएफ और ऑफिसर भी रहेगा, सब लोगों का सामने जो दोषी पाएगा उसका ऊपर एक्शन लेने के लिए हम लोग डिमांड किया है। इस घटना की जानकारी लगने के बाद पीपी यार्ड के रेलवे कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। आरोपों से घिरे जवान को बचाने वहां पर सीआईएसएफ के अधिकारी भी पहुंचे थे। करीब आधे घंटे से यहां पर दोनों पक्षों में चर्चा जारी रही। रेलवे कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि सीआईएसएफ के जवान आए दिन इसी तरह बदसलूकी किया करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।